तो ये है फ्रेंड्स आईफोन 14, और इसको मैंने जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में बाय किया हूँ, और इसको जो है मैंने 52-53 थाउजेंड के अप्रॉक्स में मैंने बाय किया था इसको। और जो है इसको मैंने फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को ऐड करके किया था। इसे 56 थाउजेंड कुछ 100 रुपीज़ पड़ा था इसका जो प्राइस है, और मुझे 3,000 का 3800 रुपये का लगभग कैश बैक मिला था। तो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका मुझे पड़ गया था 52,000, 52,500 के आसपास इसका प्राइस पड़ा था मुझे कैश बैक लेकर के। तो चलिए, और इसको जो है यूज करते हुए मुझे 4 या 5 दिन लगभग हो चुके हैं, और 5 दिन से इसको मैंने चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है। और इसको मैंने जब फ्लिपकार्ट बॉय इसको डिलीवरी देने आया था तभी मैंने इसको ओपन बॉक्स करके देख लिया था, लेकिन मैं जो है आपको बिल्कुल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का बॉक्स आता है। वही छोटा सा डब्बा, वही छोटा सा बॉक्स, और इसमें इतना महंगा फ़ोन आता है, और जिसको लेने के लिए जो है हमने 1 साल तक वेट किया फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में। पिछले साल ही लेना था लेकिन मैंने पिछले साल नहीं लिया था, तो चलिए मैंने इस बार जो है मैंने ले लिया इस फ़ोन को। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, और इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं आपको सारे आपको बताऊंगा। और साथ में अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आईफोन 14 प्लस लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको फटाफट, ये अनबॉक्स तो है ही, मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का, इसमें तो कुछ रहता नहीं है, इस तरह का यहाँ पे एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। ये छोटा सा बॉक्स वही जो वर्षों से चला हुआ आ रहा है, और साथ में जो आपको यहाँ पे जो इस साइड यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑरिजिनल बॉक्स होता है यहाँ पे एप्पल की ब्रांडिंग दी जाती है, और साथ में इस साइड भी आप जब देखेंगे स्टिकर पे आपको यहाँ पे भी जो एप्पल की ब्रांडिंग दिखेगी। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाई देता हूँ, यहाँ पे भी जब इस साइड भी देखेंगे तो दोनों साइड ये जो फ्रेंड्स है यहाँ पे आपको एप्पल की ब्रांडिंग दिख जाएगी, और यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ दिखेगा आप देख सकते हैं, और साथ में जो आप इस साइड करेंगे तो इस साइड भी आपको आईफोन लिखा हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये देख लिया आपने, और इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स, ये प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे 79,900 रुपये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको दिखेगा तो, ये छोटा छोटा लेटर में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, ये अनबॉक्सिंग किया हुआ ही और मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। तो चलिए, ये जो है ऑटोमेटिक आप इसे उठाएंगे और ये डब्बा जो है यहाँ से अनबॉक्स हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसमें, तो कुछ इस तरह का बॉक्स है। इसको मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ, और ये फोन फ्रेंड्स मैंने जो है यहाँ पे स्टार लाइट कलर एकदम बिल्कुल चमकता हुआ जो है मैंने इसको बाय किया हुआ देख सकते हैं। आपने अगर बाय करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपने बाय किया, कौन सा कलर आप बाय किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। हमें तो फ्रेंड्स जो ये स्टार लाइट कलर है ये बहुत ही बेस्ट लग रहा था, इसलिए मैंने स्टार लाइट कलर को बाय किया। और चलिए अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ स्टिकर लगा हुआ आएगा, और यहाँ पे जो इस तरह का कुछ फोन आएगा यहाँ पे। और इसको मैंने चलाते हुए जो फ्रेंड्स बिल्कुल 5 दिन हो चुका, और मैं 5 दिन का अनुभव जो है आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं यहाँ पे सिम लगा हुआ है और इसका नेट भी अभी ऑन है। यहाँ पे कुछ साइड में पहले की तरह फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे जो है पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में ये चारों तरफ यही है। और यहाँ पे एक आपको जो साइड में जो है यहाँ पे एक साइड अलर्ट बटन मिल जाएगा, जिससे जो है आप यहाँ पे फोन को एक क्लिक में जो है साइलेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे रिंग में कर सकते हैं। ये अलर्ट बटन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर मिल जाता है। इसमें जो है फ्रेंड्स आप फिजिकल सिम यूज कर सकते हैं, और इसमें एक जो है ई सिम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ में जो है फ्रेंड्स नीचे में जो है यहाँ पे वही वर्षों से जो चला हुआ आ रहा है USB लाइटनिंग केबल, जो छोटा वाला चलता हुआ आ रहा है फ्रेंड्स वही है। और साथ में यहाँ पे आपको सबसे जो मेन बात है फ्रेंड्स, इसमें आपको इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, और इस स्टीरियो स्पीकर की जो आवाज़ है फ्रेंड्स वो बिल्कुल बहुत ही गजब की आवाज़ है। जब आप बात करेंगे फ़ोन पे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कोई भी मल्टीमीडिया के तौर पर जब आप यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो मतलब इसकी आवाज़ बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ स्टीरियो स्पीकर है। मेरे पास इससे पहले जो है फ्रेंड्स OnePlus का फोन है, OnePlus Nord 2T 5G, और उसी वीडियो से मैं अभी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, उसमें भी स्टीरियो स्पीकर है, पर इसकी जो आवाज़ है फ्रेंड्स वो बिल्कुल बहुत गजब की आवाज़ है। लेकिन साथ में फ्रेंड्स वही पुराने वाले आपको यहाँ पे नॉच देखने के लिए मिलता है, जो ये बड़ा वाला नॉच देख रहे हैं। लेकिन जो आईफोन 15 में जो यहाँ पे आईलैंड दे दिया गया है, ये नॉच हटा दिया गया है, और बाकी जो आईफोन 15 में नया अपडेट हुआ है फ्रेंड्स, आईफोन 15 में है यहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व करके दिया है, और ये बिल्कुल फ्लैट है। तो आप जब इसको ज़्यादा देर तक यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाथ में चुभेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। मैंने 5 दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ मोबाइल को, पूरा दिन यूज करता हूँ। तो चलिए मैं इसको पूरा बताऊँगा, और साथ में जो आईफोन
15 में जो अपडेट आया हुआ है वहाँ पे आपको ये नॉच नहीं मिलेगा, साथ में ये कवर मिलेगा। जो इसका चिप है वो यूनिक चिप है इसमें फ्रेंड्स, ये 15 है, और जो उसमें 16 अपग्रेड करके दिया गया है। और साथ में जो फ्रेंड्स उसमें कैमरा में भी बहुत बड़ा अपडेट हुआ है, इसमें जो आपको 12 मेगा पिक्सल का दो कैमरा मिलता है, लेकिन उसमें जो है आईफोन 15 में एक 12 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है और एक जो है 48 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपडेट दिया है आईफोन 14 और 15 में। वहीं जो 13 और 14 में कोई अपडेट, मेजर अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था। आप आईफोन 13 ले सकते हैं या 14 ले सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 और 14 में सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट हमको देखने के लिए नहीं मिला था। ना ही बायोनिक चिप जो है उसमें प्रोसेस किया जाता है, कैमरा और जो भी प्रोसेस था सब कुछ सेम दिया गया था, प्रोसेसर जो है थोड़ा सा ही डिफरेंट हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपने 13 लिया है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 14 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से पैसा वेस्टेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है आईफोन 14 प्लस लेना चाहिए, क्योंकि उसकी इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी है फ्रेंड्स, दिन भर का बैटरी बैकअप ये निकाल देता है। अगर आप अच्छे से हैवी यूजर हैं तो आप शाम को, आपको शाम होते होते जो है इसका बैटरी परसेंटेज 10% रह जाता है। एक बार अगर मैं इसको सुबह जो है चार्ज कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो शाम होते होते क्या है फ्रेंड्स ये बिल्कुल 10% पे आ जाता है और हमको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। और फ्रेंड्स जब मैं इसमें वीडियो एडिट करता हूँ तो इसमें क्या है, ये छोटा डिस्प्ले होने के कारण फ्रेंड्स इसमें जो है एडिट करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत होता है। और आइलैंड डिस्प्ले से इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले बिल्कुल स्मूथ वर्क करता है और सब कुछ अच्छा है। और कुल मिला के ये स्टार लाइट कलर जो है मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है भाई सुपर डुपर है बिल्कुल। मैं आपको इससे वीडियो भी मैं शूट किया हूँ और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ हूँ इससे, और साथ में इसके जो कुछ फोटो लिए हुए हैं मैं भी आपको स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूँगा। ये 128 GB टॉप वेरियंट वाला है फ्रेंड्स, और इसमें जो है फ्रेंड्स आपको 6.1 इंच का जो है आपको यहाँ पर सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें जो है फ्रेंड्स 3279 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है 20 घंटा प्लेबैक वीडियो की। इसकी चौड़ाई जो है 71.5 mm है, इसकी जो डेप्थ है वो 7.8 mm की है, और फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है वो है 146.7 mm की। और इस फोन का जो वेट है फ्रेंड्स बिल्कुल इजी हल्का वेट है इसका जो है 172 grams है इस फोन का। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हल्का है, हाथ में लेने के बाद आपको कोई भी फील नहीं होगा, आप वन हैंड से ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं और आराम से पकड़ सकते हैं। बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, आप आराम से एक फोन में यूज कर सकते हैं और बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह लगता है देखने। मैं बताता हूँ इसमें जो कुछ चीज़ें जो आप एंड्रॉयड जैसे जैसे यूज करेंगे तो इसमें आपको वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप इसको जो है यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पूरा उस तरह से एंड्रॉयड वाली फीलिंग नहीं देगा, उसमें जो जो फीचर दिया हुआ है वो चीज़ इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब इसमें बैक करते हैं या फिर कोई क्लोज करते हैं या रिसेंट करते हैं तो वो पूरा ही रिसेंट करना पड़ जाता है उस तरह से। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको जब आप इसमें नेट की स्पीड, आपकी नेट कितनी स्पीड चल रही है, कितने KB कितने MB के हिसाब से चल रहा है, वो चीज़ इसमें जो है इनबिल्ट नहीं दिया हुआ। अगर आपको वो चीज़ देखना हो तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे अलग से एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इतना बड़ा मोबाइल है तो ये सब फीचर दिया हुआ होना चाहिए ऑलरेडी सिस्टम में, लेकिन ये सब नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो बार बार आपको ऐप जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डाल के बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा है कि इसमें क्लोजर का रिसेंट टैप का ऑप्शन होता है, आप इसको बैक करेंगे तो ये पूरा बैक नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जो है रिसेट ऐसे करके ही करना पड़ेगा, तभी ये कोई भी पेज अगर आप ओपन कर देंगे तो यहाँ से इसको बैक नहीं करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिसेंट ही टैप करना पड़ेगा ऑनली। इसका जो डिस्प्ले है फ्रेंड्स बहुत तगड़ा है, बिल्कुल बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, बिल्कुल टच आप जब भी करेंगे तो मतलब बिल्कुल फास्ट काम करता है। आप अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ भी अगर आप दबाएंगे तो बहुत फास्ट में जो है फ्रेंड्स वर्क करता है, आप कुछ भी दबाइए बहुत फास्ट में स्मूथ वर्क करता हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है, अच्छा आईफोन है और इसका जो सब कुछ फीचर है वो सब भी कुल मिला के ठीक ठाक है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको कैमरे की ज़रूरत है, अच्छा स्पीकर की ज़रूरत है। अगर आप फ्रेंड्स मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कोई भी कॉलर माइक का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना कॉलर माइक का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो आईफोन से अगर आप बनाएंगे तो इसका आवाज़ जो है ऑलरेडी आपको कॉलर माइक जैसा ही दिखेगा,
मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने आईफोन से वीडियो शूट करके बनाया और कोई भी कॉलर माइक का यूज नहीं किया है। साथ में फ्रेंड्स इसमें जो है फ्रेंड्स आप एक फिजिकल सिम लगा सकते हैं और एक जो है ई सिम लगा सकते हैं और इसमें 5 गुना तक जो है आप डिजिटल जूम कर सकते हैं। कोई भी फोटो अगर आप दूर से खींचेंगे तो 5 गुना इतना जो है ये डिजिटल जूम हो जाता है फ्रेंड्स और वो जो है रियल में वर्क करता है। और साथ में जो है आप इसमें 60 FPS तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K में। 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है फ्रेंड्स, 4G वोल्टी LTE GSM वो सारे फीचर दिए हुए हैं फ्रेंड्स इसमें। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS 16 है, इसमें अभी 15 चिप लगा था, 1 साल हो गया और 1 साल अपडेट होने के बाद जो है इनबिल्ट आपको जो है इसमें iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स इस डब्बे में जो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, साथ में जो है यहाँ पे यही जो डाटा एक डाटा केबल है मिलने वाला है एसोसरी, जो कि कंपनी बोलती है कि इस 6 महीने की एसोसरी की वारंटी है। तो इसमें क्या वारंटी है और ये क्या खराब होगा ये तो कंपनी ही बताएगी। अगर आपका ये खराब होता है तो आप 6 महीने तक जो है इसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी इतनी तेज है, ये इसका 6 महीने की वारंटी दिया हुआ है एसोसरीज का। और साथ में एक टूल किट आपको कुछ ये किताब देखने के लिए मिल जाता है इसमें, और ये किताब में आपको एक और यहाँ पे मिल जाएगा आपको टूल किट। चलिए मैं आपको इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपका ये टूल किट अगर 6 महीने के अंदर आपका अगर ये टूल किट ख़राब हो जाता है तो आप इसको भी कंपनी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एसोसरी जो है आप 6 महीने तक क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये 6 महीने तक अगर आपका ख़राब नहीं होगा या कुछ आपको दिक्कत होता है तो आप फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये डाटा केबल ये 2 ही चीज़ एसोसरीज में मिलता है और इसके वारंटी जो है 6 महीने की है। और साथ में जो हैंडसेट है फ्रेंड्स इसमें फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए कोई भी, अगर आपका अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसको 1 ईयर के वारंटी में ये इंक्लूड है, 1 ईयर तक कंपनी क्लेम करती है। और साथ में जो है यहाँ पे कुछ ये स्टिकर देखने के लिए मिलता है और एप्पल पे यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिलता है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, मोबाइल के कवर में लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ आईफोन की कुछ ब्रांडिंग बुक है, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें, छोटा सा बुक है आप पढ़ना चाहें तो आराम से आधा घंटा आपका भी निकल जाएगा। और तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। और फ्रेंड्स इसमें आपको अलग अलग तरह के मल्टीपल लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। जो जो आपको इनबिल्ट इसमें जो जो जरूरी ऐप है वो सारे ऐप इसमें दिया गया है और फालतू का कोई ऐप नहीं है, सारे ऐप जो है आप यूज करें। और आप कोई अदर ऐप अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी इजी से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स इसमें। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे क्रोम ब्राउजर ये सब कुछ जो है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, देख सकते हैं। जो भी आप इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स ये सारा कुछ आपको यहाँ पे अलग से दिखाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तभी जो है दिवाली ऑफर चलने वाला है, दिवाली ऑफर में भी आपको ये 52,000-53,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप 1 साल तक वेट करेंगे, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि 1 साल में आप बहुत वीडियो बना देंगे और आप इसका यूज भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस फोन को लेकर के तो आप हमें कमेंट जरूर करें, अगर अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तब भी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।